नमस्कार, प्रस्तुत है राग बिलावल के कुछ सरल ताने जो कि बच्चों को प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगा। प्रैक्टिस के सुविधा के लिए ही आठ मात्रा यानी तीन ताल और कहरबा, दस मात्रा झपताल और बारह मात्रा एक ताल, ये तीनों ताल में ही अलग अलग रूप से गाया जाएगा। इस वीडियो में एक ही तान को कैसे स्वरों को जोड़ के और घटा के तान बनाया जाता है, इसी का ही एग्जाम्पल दिया जाएगा। इस पैटर्न को समझ के आप खुद ही हर रोज एक एक तान तैयार करके अपना बंदिश के साथ गाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ गाने के सुविधा के लिए श्रुति बी रखा गया है, टेम्पो 120। अब प्रस्तुत है स्थाई का आठ मात्र का तान। धा धिन धिन धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता टट धिन धिन धा सा रे गा मा गा रे गा मा आ रे गा मा पा धा पा मा गा आ गा मा पा मा गा रे गा मा आ मा पा धा पा मा गा मा पा आ पा धा नी धा पा धा मा पा आ तेट धिन धिन धा पा पा नी धा सा नी रे सा आ रे सा रे नी सा नी धा सा आ गा मा रे सा नी रे सा नी आ मा पा धा नी सा रे नी सा आ मा गा रे गा सा रे नी सा आ। अब प्रस्तुत है दस मात्रे में अर्थात झपताल में स्थाई के तान। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना सा रे गा मा गा रे गा मा पा पा आ रे गा मा पा धा पा मा गा रे गा आ गा मा पा मा गा रे गा मा गा रे रे पा आ अंतरा ती ना ती ना धी धी ना पा पा नी धा सा नी रे सा धा सा आ रे सा रे नी सा नी धा सा मा पा आ बारह मात्रा यानी एक ताल में
स्थाई के तान धिन धिन धगे त्रिकट तुन्ना कत्ता धगे त्रिकट धीना सारे गामा गारे गामा पापा मागा एक एक तान तैयार करके आप बंदिश के साथ प्रैक्टिस किया कीजिए, उससे आपको सरों का पोजीशनिंग के बारे में अंदाजा सही तैयार होते जाएगा।